पढ़ाई वढ़ाई नहीं, अब याद रखो कितनी कौन सी प्लीज अपना माइक ऑफ कर दीजिए आप सारे लोग। चलिए कोई क्वेश्चन अभी तक कोई चीज नहीं समझ में, हम डिस्कनेक्ट हो गए थे टाइम लिमिटेशन की वजह से, कोई सवाल कोई चीज अभी तक नहीं समझ में आई है, एनी क्वेश्चन? कोई सवाल नहीं है, कोई हाथ नहीं आ रहा है, या तो सब समझ में आ गया? अच्छा, सवाल का होना भी एक इंडिकेटर है कि शायद शायद हमारा माइंड जो है ना इसमें इंगेज नहीं हो पा रहा है। जब इंगेज नहीं हो पा रहा है तो सवालत नहीं है, सवालत नहीं है तो फिर हम सीख नहीं पा रहे। आई डोंट नो, ये बात सही है गलत है? बिल्कुल सवाल का ना होना प्रॉब्ली ये बात बता रहा है कि हम इंगेज नहीं हो पा रहे। एनी क्वेश्चन? चलिए नहीं है तो फिर हम आगे जाते हैं। ठीक है, तो बेसलाइन का टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई। बेसलाइन का मतलब है रिव्यूड एंड एग्रीड, जिस पे साइन ऑफ हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है रिव्यू प्रपोज्ड रिक्वायरमेंट चेंज। अब ये प्रपोज्ड रिक्वायरमेंट चेंज बहुत ही, हम रिक्वायरमेंट ले ली, सॉफ्टवेयर बना रहे थे तो रेगुलेशन चेंज हो गई, गवर्नमेंट की रेगुलेशन चेंज हो गई, या बैंक की रिक्वायरमेंट ले रहे थे, स्टेट बैंक की रेगुलेशन चेंज हो गई, जो कि करनी करनी है, तो क्या करेंगे? ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में चेंज आ सकती है, आ सकती है, तो उसका कोई प्रोसेस होना चाहिए। अब क्या करेंगे, उसका इम्पैक्ट देखेंगे। ठीक है, अगर ये इम्पैक्ट 2 घंटे का है, 2 दिन का है, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन ये 40 स्क्रीन पे सब पे चेंज होगी तो ये तो सर 2 महीने लग जाते, तो ये इसको होल्ड कर लेंगे, ये अभी नहीं करते, पहले रिलीज जाने देते हैं, फिर जॉब की जो चेंज है वो बाद में करेंगे। अभी कोई डिसीजन ले रहा है, ये आपका डिसीजन नहीं है, बीए का डिसीजन नहीं है, ये चेंज कंट्रोल बोर्ड का डिसीजन है। जब चेंज आ जाती है तो वो इम्पैक्ट को देखते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं, अप्रूव या डेफर्ड या रिजेक्टेड। डेफर का मतलब है बाद में करेंगे, या रिजेक्टेड नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो समबडी एल्स विल टेक द डिसीजन, शुड वी इम्प्लीमेंट द चेंज और शुड वी नॉट। ठीक है, तो ये आपका रोल नहीं है। प्लीज माइक नहीं है, और शहरयार आपका माइक ऑन है, इसको उधर ऑफ कर देंगे, म्यूट कर देंगे। ठीक है, में रखिए, जिस वक्त चेंज आएगी उस वक्त प्रोसेस नहीं होना चाहिए, प्रोसेस पहले से होना चाहिए। जब आप जाएंगे तो आपको 3 बातें बतानी चाहिए, रिक्वायरमेंट कौन देगा, कौन करेगा और रिव्यू कौन करेगा। अगर उनको पता नहीं है तो आप बताना चाहिए, आप बताएंगे कि भाई ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर ये जरूरी नहीं है तो फिर चेंज करनी होगी, अप्रूव करनी होगी, फिर कोई पूछेगा किसने अप्रूव करनी है भाई। तो बिफोर यू स्टार्ट टेकिंग द रिक्वायरमेंट यू शुड नो कि रिक्वायरमेंट देगा कौन, रिव्यू कौन करेगा और अप्रूव कौन करेगा। अच्छा, ऐसा बहुत मुमकिन है ये तीनों एक ही आदमी हो, तो फिर आपको मालूम होना चाहिए कि जब सॉफ्टवेयर डिलीवर होगा तो यही लोग हैं जिसको वेरीफाई करेंगे या चेक करेंगे या यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट भी यही करेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ऐसा ना हो कि बनाने के लोग तो ये कह रहे हैं लेकिन चेक उसके बॉस करेंगे, तो कहना फिर रिक्वायरमेंट भी मेरी ऐसी होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है, नहीं आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। पहली वाली लाइन क्या है, कीपिंग प्रोजेक्ट प्लान करंट द रिक्वायरमेंट्स। अब इसका क्या मतलब है रिक्वायरमेंट मैनेज का, जिस वक्त आपने प्लान बनाया था तो उस वक्त ये था कि जनाब ये रिक्वायरमेंट 2 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन एक चेंज आई है तो आप मैनेज कर रहे हैं। मैनेज क्या कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट को मैनेज कर रहे हैं लेकिन प्लान को भी मैनेज कर रहे हैं। ठीक है ना, प्लान को भी मैनेज कर रहे हैं।
तो प्लान दो हफ्ते नहीं, वो चार दिन बढ़ गया है या दो दिन बढ़ गया है इम्पैक्ट के बाद, तो फिर पूरा प्रोजेक्ट चार दिन आगे जाएगा. ठीक है, तो कीपिंग द प्रोजेक्ट प्लान करंट विद द रिक्वायरमेंट्स. तो एक्सटेंशन जो रिक्वायरमेंट किया वो पूरे प्लान को इम्पैक्ट करेगी, पूरा प्रोजेक्ट आगे चला जाएगा. तो प्लान को भी चेंज करने की जरूरत है. ये आप नहीं कर रहे हैं, किसी ने अप्रूवल दिया है. एक मिनट में किसी ठीक है. फिर नंबर टू है नेगोशिएटिंग द कमिटमेंट्स बेस्ड ऑन द एस्टिमेटेड इंपैक्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट. इसमें आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे, आप सिर्फ इंपैक्ट बता देंगे. अगर आप बीए हैं तो आप बता देंगे इसमें चेंज करने में दो दिन लगेंगे या दो हफ्ते लगेंगे. तो ये जो निगोशिएट करने वाले हैं ये कुछ चेंज कंट्रोल बोर्ड है, जो ये वाली बात है ना, निगोशिएटिंग द कमिटमेंट बेस्ड ऑन द एस्टिमेटेड इम्पैक्ट. आप इम्पैक्ट बता देंगे, बाकी लोग वो बात करेंगे. फिर ट्रेसिंग द रिक्वायरमेंट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग डिजाइन सोर्स कोड टेस्ट केसेस. अब ये क्या है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो फॉरवर्ड ट्रेसेबल होनी चाहिए. यानी फॉरवर्ड क्या है, रिक्वायरमेंट जाएगी फंक्शनैलिटी में, फंक्शनैलिटी जाएगी डिजाइन में, डिजाइन जाएगी कोड में, कोड जाएगा टेस्ट में. ठीक है, तो ये नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, मैंने लिखा हुआ है. तो कॉरेस्पॉन्डिंग डिजाइन कोड टेस्टिंग, ठीक है, तो ये हम देखेंगे कि ट्रेसेबिलिटी क्या होती है, हम इसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ये मैनेज कैसे होती है. डायग्राम को देख लीजिए. ये अगर आपको ट्रायंगल याद हो, ये ट्रायंगल नहीं है लेकिन बहरहाल है वही, बिजनेस रिक्वायरमेंट, स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट, सॉल्यूशन रिक्वायरमेंट. ये रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट जब खत्म हो जाएगी तो फिर जाहिर सी बात है आप कौन से वाले फेज में जाते हैं. ये कौन सा फेज है, ये वाला फेज है रिक्वायरमेंट डिवेलपमेंट का. और ये कौन सा है, ये मैनेजमेंट का, डिजाइन डिवेलपमेंट कोडिंग टेस्टिंग. ठीक है, तो बिजनेस नीड से इसमें 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 ट्रेस होनी चाहिए. फिर ये ट्रेस होनी चाहिए क्योंकि जब आप सॉफ्टवेयर देंगे ना तो सॉफ्टवेयर को मेरा मसला हल करना चाहिए, ये सॉफ्टवेयर को मेरा मसला हल करना चाहिए. जो कुछ आप दे रहे हैं तो ठीक है, इसको यूं समझिए, मैं एक रेस्टोरेंट में गया और मैंने एक खाना ऑर्डर किया. अब खाना किसी वेटर ने नोट किया, स्लिप बनाई और जाके किचन में दिया, ये सब आपका डिलीवरी मैकेनिज्म है. लेकिन फिर ये डिलीवरी जो मेरी टेबल पे चीज होनी चाहिए वही थी जो मैंने ऑर्डर किया है, मुझे इससे कंसर्न नहीं है, ये आपका मैकेनिज्म है. तो इसमें ट्रेसेबिलिटी बहुत जरूरी है. ठीक है, यहां तक बात समझ में आई है, नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा. ये देखिए, ये कस्टमर है, ठीक है, ये कस्टमर है और ये आपका डिलीवरी मैकेनिज्म है, आपका सॉफ्टवेयर हाउस है और ये आपने सॉफ्टवेयर देना है कस्टमर को. तो अपने रिक्वायरमेंट लेंगे आप, रिक्वायरमेंट नंबर 1, 2, 3, 10 हो सकती है, 100 हो सकती है, ये पूरी रिक्वायरमेंट है आपकी. ठीक है, और इसकी बेसिस पे आपने यहाँ फंक्शनैलिटी देनी है, 1, 2, 3, 4 फंक्शनैलिटी, 1 फंक्शनैलिटी. लेकिन ये आपका मैकेनिज्म है. आप क्या करते हैं, आपने पढ़ा डिजाइन को टेस्ट, लेकिन आप SRS को फंक्शनल रिक्वायरमेंट में भी कन्वर्ट करते हैं. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल कस्टमर ने कहा है कि मुझे एक फंक्शनैलिटी चाहिए जिसमें लॉग इन कर सके कस्टमर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो. अभी है उन्होंने बता दिया लॉग इन स्क्रीन चाहिए. ठीक है, ये जो रेड कलर में लिखी हुई है ना रिक्वायरमेंट, ऐसा रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट नंबर 1. फिर आप कहते हैं कि जनाब ये करने के लिए, लॉग इन स्क्रीन करने के लिए क्या होगा ना, एक स्क्रीन बनेगा जिसमें आईडी होगी 1.1, 1.2 क्या होगा पासवर्ड होगा, नंबर 3 क्या होगा उसका कोई तस्वीर होगी, चौथा क्या होगा जनाब उसका कोड जनरेट किया जाएगा जो उसके मोबाइल फोन में जाएगा और वो कोड इसमें डालेगा, तो हैकिंग नहीं हो सकती. तो ये सारी चीजें जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है. अब ये करने के लिए वो डिजाइन करेगा, ठीक है ना, नाम यानी 1.1 क्या है, एक यूजर आईडी है, तो यूजर आईडी की लेंथ होगी, करेक्टर होगा, इसी तरह से पासवर्ड है उसकी लेंथ होगी, करेक्टर होगा, इसी तरह और चीजें वो सब जाएंगे. तो ये डिजाइन होगा,
फिर इसका कोड लिखा जाएगा, 1.1 का कोड लिखा गया, 1.2 का कोड लिखा गया, 1.3 का कोड लिखा गया, ये सारा कोड लिखेंगे तो ये वाली फंक्शनलिटी आ जाएगी, इसको टेस्ट करना है। तो ये आपकी मेथडोलॉजी है विच इज ट्रेसेबल। ये टेस्ट क्यों लिखा गया है इस कोड के लिए, ये क्यों लिखा गया है ये इस फंक्शनैलिटी के लिए, ये क्यों लिखा गया है, इसलिए कि कस्टमर ने ये रिक्वायर किया था। देख रहे हैं आप ये सारी चीजें ट्रेस है, और ये तो कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी। तो नीचे वाली जो लाइन है ये मैंने जानबूझ के लिखी है, कंफॉर्मेंस टू द रिक्वायरमेंट इज ए क्वालिटी प्रोडक्ट। तो लेफ्ट साइड पे आपकी रिक्वायरमेंट है, लेफ्ट साइड पे आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। राइट साइड पे जो येलो वाला पार्ट है ये कंफॉर्मेंस है, ये आपकी डिलीवरी पार्ट है। तो अगर आपने जो कस्टमर ने मांगा है वो दे दिया है तो दैट्स ए क्वालिटी प्रोडक्ट। यहां तक बात समझ में आ रही है? कोई यस सर किसी को कोई सवाल तो नहीं है कोई अभी तक? ये एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का मिक्सचर है, लेकिन मैं ट्रेसेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि ट्रेसिंग होती क्या चीज है, ठीक है। तो जिन्होंने एसक्यूए का कोर्स पढ़ा है उन्होंने भी डेफिनेशन पढ़ी होगी क्वालिटी के, कन्फॉर्मेंस टू द रिक्वायरमेंट इज ए क्वालिटी प्रोडक्ट। तो वो क्या चीज है कन्फॉर्मेंस? जो येलो वाला पार्ट है ये कन्फॉर्मेंस है, उसकी रिक्वायरमेंट को समझना, डॉक्यूमेंट करना, ठीक है। आप ये देखे ना 1.1 इसी तरह से डिजाइन में जाएगी, 1, 2, 3, तो ये सारी चीजें ट्रेस होंगी। तो ये सारी जो SRS है उसमें ये नंबरिंग होगी, और जो सोर्स कोड है उसके अंदर ये सारी नंबरिंग होगी और वो ट्रेस हो जाए, ठीक है। यहां तक तो ट्रेसेबिलिटी समझ में आ गई। अच्छा भाई दिवेश को वर्टिकल ट्रेसेबिलिटी कहते हैं, एक और भी ट्रेसेबिलिटी होती है जो हॉरिजॉन्टल होती है, फिलहाल उसमें डिस्कस नहीं करेंगे। किसी को शौक है तो वो पढ़ ले वर्टिकल ट्रेसेबिलिटी क्या होती है। ये हमने वर्टिकल ट्रेसेबिलिटी यानी ऊपर से नीचे आ रही है, लेफ्ट वाली साइज को वाली चीज को हम ऊपर कह रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, तो एक्चुअली ऊपर से नीचे आ रही है, इसको वर्टिकल ट्रेसेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको यहीं तक रखें, वैलिडेशन को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मैंने स्लाइड्स आपको दे दी हैं, इसको पढ़ लीजिएगा और इसको देखिएगा, और जो सवाल आपको दिए हैं उनको आंसर कीजिएगा। मैं आखिरी में इस पे ले जाता हूँ, यहाँ पर भी कुछ सवाल आते हैं तो ये भी हम देखेंगे, ट्रेसेबिलिटी क्या चीज़ होती है, अब ये वैलिडेशन क्या होती है, चेंज क्या होती है, गुड रिक्वायरमेंट क्या होती है, बेस लाइन क्या चीज़ होती है। अब ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो एज ए ये लेक्चर खत्म करने के बाद आपको पता होने चाहिए, तो ये आपकी लर्निंग होनी चाहिए। तो अपने आपको पढ़िए, नोट्स लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो सर को रोक लीजिए कि सर ये चीज समझाइए तो मैं समझाऊंगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि देखिए चैलेंजेस हैं, इंटरनेट कनेक्शन जैसे मेरे घर में अभी नहीं है तो मैं पड़ोस में आया हूँ, वहां से मैं इंटरनेट एक्सेस कर रहा हूँ। मेरा इंटरनेट ठीक चल रहा है लेकिन वो कभी रुक रहा है कभी चल रहा है, तो वो पूरे क्लास को डिस्टर्ब कर देता। ऐसा अगर किसी के साथ है तो ये वीडियोस बन रही हैं, मैं अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, तो उसको दोबारा से देख लीजिए, नोट्स ले लीजिए। तो नहीं समझ में आ रहा है तो सैटरडे मॉर्निंग या संडे मॉर्निंग हम एक्स्ट्रा सेशंस रख सकते हैं, सारे लोगों का नहीं, ऐसे लोगों का जो उनको समझ में नहीं आ रहा कि सर फलानी चीज, जैसे आप मेरे रूम में आए, ठीक है, तो आप बताएंगे कि सर तो मैं सुबह में मेरे लिए इट्स अ गुड टाइम, आई डोंट नो आप लोगों का क्या, तो मॉर्निंग इज अ गुड टाइम, फ्रेश होता है आदमी, एनर्जी होती है, तो उसमें आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी बात ये कि कुछ लोग वाकई में बहुत सीरियस हैं जो प्रोजेक्ट ले रहे हैं आउटसाइड वर्ल्ड से, तो अभी ये 2-4 रोज बहुत ही क्रिटिकल है क्योंकि लोगों ने मिलने से मना कर दिया और जूम की उस पर चले गए कि जी मीटिंग होगी भी, तो बहरहाल उनसे जूम पे कॉन्टेक्ट कर लीजिए, मेरे रेफरेंस है जो लोग भी जा रहे हैं, कुछ लोग सिस्टम जाना है, कुछ को मिजान जाना है, कुछ को कहाँ जाना है, लकी सीमेंट जाना है, ठीक है। तो जो कुछ आप सीख रहे हैं उसको उसको आप इस्तेमाल कीजिए, और कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो मुझसे पूछिए, ठीक है। तो ये क्योंकि हम सामने सामने नहीं है तो थोड़ा सा चैलेंज है, मगर आप भी अडॉप्ट कर रहे हैं और हम भी अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सेल्फ एवेल्युएशन मेरी नॉर्मल एक्सरसाइज में नहीं होते थे PPT, ये हम कैसे करते थे, हम आपको असाइनमेंट दे देते थे और आपको क्विज दे देते थे जिससे हम समझते थे कि आपने समझा है कि नहीं समझा। तब हम क्योंकि सामने नहीं है तब आपको खुद ही समझने और इन सवालों के जवाब देने,
और जो भी आपने लर्निंग हुई है और इसको नोट्स ले लीजिए, इस सवाल के जवाब लेते जाइए, तो ये आपका एक असाइनमेंट हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो सर से पूछिए। कुछ लोग क्यूरियस हैं अबाउट अटेंडेंस नंबर्स, तो मेरा उनको जवाब है कि भाई ये छोड़ दीजिए अभी नंबर्स को और अटेंडेंस को, मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अभी सीखने पर जोर दीजिए क्योंकि अडॉप्ट करेंगे तो थोड़ा सा और। चलिए तो अब मैं थोड़ा सा फीडबैक लेना चाहता हूँ। अभी तक जो हमने पढ़ा है इसमें कोई मेजर चैलेंज कोई समझ में नहीं आ रहा, सिवाय एक दिन हुआ था शायद आपके साथ नहीं, शायद बी क्लास के साथ हुआ था कि मेरा इंटरनेट बहुत खराब था, तो शायद उस दिन बहुत चैलेंज हुआ, आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन वीडियो लोगों ने देख लिया। तो अभी तक किसी को बहुत मेजर चैलेंज समझने में सर मौजूद नहीं है, हम है नहीं, ठीक है। मेरी आपसे फिर दरख्वास्त है कि जब आप लेक्चर में बैठते हैं तो अपने मोबाइल फोन को ऑफ कर देंगे, साइलेंट पे रख देंगे और कॉपी पेंसिल लेके बैठेंगे, ठीक है। तो ये तैयारी करेंगे तो आपको थोड़ा फोकस होगा, समझ में आएगा। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर डिस्ट्रेक्शंस बहुत होंगी क्लास में, तो सर क्योंकि सामने होते हैं। तो नहीं है जी, लेकिन अल्लाह नासिर कुछ यस सर, बट मैं बोल रहा हूँ कि इतना मेजर तो कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आया हो, सारी चीजें आई है, बस ट्रेसेबिलिटी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट था, तो रिकॉर्डिंग तो कर रहे ना आप, वो फिर रिकॉर्ड ट्रेसेबिलिटी दोबारा से बता दूं, ये कह रहे हैं आप रिकॉर्डिंग में कर लेंगे ना, कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं क्योंकि हमारी अभी क्लास है ओबी की। सही है ठीक है, सही है ठीक है, चलिए अच्छा तो मैं इसको खत्म कर लेता हूँ। बारह जिनकी समझ में ना आया तो मुझे नेक्स्ट लेक्चर में याद दिला दीजिएगा, पूछ लीजिएगा, ठीक है सर। जी सर, ये आरई रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है इसको विजुलाइज कैसे कैसे किया जाए? विजुलाइज नहीं होगा बेटा, प्रैक्टिस होगी ना। ये बात ये कि जो कुछ सर पढ़ा रहे हैं अगर हमने किया नहीं तो हमें मुश्किल होगी, थ्योरी लगेगी, तो पहले होती है फिर जाके उसको अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो करेंगे अगर हम इंडस्ट्री में गए नहीं है, इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि जाइए इंडस्ट्री में, कोई छोटा सा प्रोजेक्ट लेके रिक्वायरमेंट अप फ्रंट कस्टमर से या एक्चुअल कस्टमर से लीजिए। विजुलाइज नहीं होगी जो कुछ सर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सर को ये ट्रेनर है, एक्चुअली मैं रिक्वायरमेंट इंजीनियर का प्रोफेशनल ट्रेनर हूँ, मैं बहुत पैसे लेता हूँ उसके, तो मैं तो मुझे तो रिलेट कर पा रहा हूँ ना, क्योंकि ये प्रॉब्लम होते हैं कस्टमर, क्योंकि बड़े बड़े कस्टमर तो आप नहीं कर पा रहे, तो विजुलाइज नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक्चुअल एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तो ये करिए जाके, ठीक है। अभी थोड़ा सा चैलेंज है कि कोरोना वायरस की वजह से आप जा नहीं पा रहे, तो जूम कर लीजिए, जूम की मीटिंग कर लीजिए, लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह हालात ऐसे नहीं रहेंगे तो आप जाइएगा, जाके एक्सपीरियंस कीजिएगा, ठीक है। वो चैलेंज पे जब आपको आएंगे तो फिर हम, ये किसी वजह से कोर्स इवॉल्व हो रहा है, यानी पहले नहीं पढ़ाया जाता था ये कोर्स, पहले सिस्टम एनालिसिस पढ़ाई जाती थी, एनालिसिस एंड डिजाइन, ठीक है ना, बकायदा एक रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का कोर्स है, तो कोई वजह है, उसकी वजह क्या है, चैलेंजेस आते हैं। अच्छा जिनकी क्लास है वो जा सकते हैं, कुछ लोगों को जाना है तो आप सवाल कर रहे हैं तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है जी। हैव आई आंसर योर क्वेश्चन? यस सर। चलिए तो हम इसको क्लोज करते हैं, कुछ लोगों की क्लास है, ठीक है, थैंक यू। जी उमर, कोई क्वेश्चन आपका? उमर उमर आप अपने आप को अनम्यूट करके बताइए। उमर अनम्यूट करके बताएंगे आपका सवाल क्या है? अटेंडेंस तो नहीं है, मैंने अटेंडेंस मार्क नहीं किया, मैं मार्क कर देता हूँ आपकी अटेंडेंस, आई डोंट नो। उमर साहब जी, उमर आपका हाथ खड़ा किया हुआ है आपने, अटेंडेंस के अलावा कोई बात है? अटेंडेंस मैंने लगा दिया आपके, और कोई चीज? ठीक है, थैंक यू।